दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें लेकर जो आपको दुनिया भर में चल रही शोध के बारे में जानकारी देंगी। ये खबरें आपको राहत तो देंगी ही, साथ ही ये जानने में मदद भी करेंगी कि आखिर कौन सा देश वैक्सीन के ट्रायल में कहां तक पहुंचा है। दोस्तों मेरी तरफ से दी गई ये जानकारी आपके काफी काम आ सकती है। दोस्तों देश में कोरोना के 10 लाख संक्रमित होने के बाद भी ठीक होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट देश में सबसे ज्यादा हो गया है। वहीं कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल अब एम्स में भी होगा, इसके लिए एम्स ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अब ICMR टीबी के लिए इस्तेमाल होने वाली BCG के टीके पर शोध करेगा। इसके पीछे का मकसद ये पता लगाना है कि क्या BCG टीका कोरोना वायरस संक्रमण होने को रोक सकता है। दोस्तों आज के इस कोरोना बुलेटिन में हम आप लोगों को इन्हीं खबरों के बारे में बताएंगे, साथ ही हम आपको स्वास्थ्य मंत्री का वो ट्वीट भी दिखाएंगे जिससे कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद जगी है। नंबर 1, दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 83.29% हुआ। दोस्तों दिल्ली में जितनी तेजी से कोरोना का वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है उससे ज्यादा तेजी से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। दोस्तों दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट अपने रिकॉर्ड स्तर 83.29% पर पहुंच गया है, जो बाकी देश से ज्यादा है। रिकवरी रेट बढ़ने के चलते ही दिल्ली में बने कोरोना केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर और अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम होने लगी है। पिछले 24 घंटों में स्वस्थ लोगों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1973 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। इसके साथ दिल्ली में अब 16,711 एक्टिव केस रह गए हैं। पिछले कई हफ्तों से दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या लगातार गिरती जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,475 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,21,582 पहुंच गई है। नंबर 2, स्वास्थ्य मंत्री के ट्वीट से जगी जल्द वैक्सीन बनने की उम्मीद। दोस्तों देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है। दोस्तों इस ट्रायल को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री के ट्वीट से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया और कोरोना के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ट्वीट से ये उम्मीद बन गई है कि जल्द ही देश में कोरोना का वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। जुलाई के पहले हफ्ते में ICMR और भारत बायोटेक ने संभावना व्यक्त की थी कि देश में 15 अगस्त तक कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। जायडस कैडिला और भारत बायोटेक जैसी दवा बनाने वाली कंपनी कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का ये ट्वीट काफी अहम है। नंबर 3, एम्स में होगा कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल। दोस्तों कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर मिली है। दरअसल दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल की इजाजत मिल गई है। एम्स की आचार समिति ने कोरोना के स्वदेशी टीके के मानव पर परीक्षण की अनुमति दे दी है। अब इसके लिए एम्स परीक्षण में स्वेच्छा से शामिल होने के इच्छुक स्वस्थ लोगों का पंजीकरण शुरू करेगा। पहले चरण में टीके का 375 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा, जिनमें से अधिकतम 100 लोग एम्स में हो सकते हैं। इस परीक्षण में स्वस्थ लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें कोई और बीमारी नहीं है, जो COVID-19 से पीड़ित नहीं रहे हैं और जिनकी उम्र 18 साल से अधिक और 55 साल से कम है। एम्स समेत भारत के 12 संस्थान इस ह्यूमन ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। एम्स पटना में 10 वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन दी गई है और अभी तक किसी भी वॉलंटियर में कोई साइड इफेक्ट होने की जानकारी नहीं है। ये खबर वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा रही है। नंबर 4, कोरोना टेस्ट के परीक्षण में खरी उतरी ABC-19 किट। दोस्तों किसी व्यक्ति के शरीर में SARS-CoV-2 वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी पैदा हुए हैं या नहीं, इसकी जांच महज 20 मिनट में हो पाएगी, वो भी घर बैठे। जी हाँ, ब्रिटेन में ब्लड शुगर की तरह ही खून की एक बूंद से कोरोना की जांच करने वाली ABC-19 किट सरकारी परीक्षण की कसौटी पर खरी उतरी है। दोस्तों अब ब्रिटिश सरकार करोड़ों लोगों को मुफ्त में ये किट बांटने की तैयारी कर रही है ताकि कोरोना जांच की दर बढ़ाकर संक्रमितों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा सके। सरकारी जांच में किट कोरोना रोधी एंटीबॉडी की 98.6% सटीक पहचान करने में कामयाब रही है। एंटीबॉडी जांच परियोजना के प्रमुख सर जॉन बेल के मुताबिक ABC-19 वाकई शानदार किट है।
इसने साबित किया है कि ब्लड शुगर की तरह ही कोरोना जांच भी घर बैठे आसानी से की जा सकती है। मरीज में सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण उभरने पर उसे जांच केंद्र भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अस्पतालों का बोझ भी कम होगा। नंबर 5, ICMR करेगा कोरोना के खिलाफ BCG टीके पर शोध। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस को लेकर तमाम शोध चल रहे हैं। ये शोध खासकर उन दवाओं पर हो रहे हैं जो पहले से मौजूद हैं। इन शोधों में ये देखा जा रहा है कि क्या ये दवाएं कोरोना के खिलाफ काम आ सकती हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में अब ICMR TB के लिए इस्तेमाल होने वाले BCG के टीके पर शोध कर रही है। इसके पीछे का मकसद ये पता लगाना है कि क्या BCG टीका कोरोना वायरस संक्रमण होने को रोक सकता है, साथ ही क्या यह महामारी के हॉटस्पॉट इलाकों में रह रहे बुजुर्ग लोगों में इस रोग की गंभीरता और मृत्यु दर को घटा सकता है। ICMR के वैज्ञानिक की माने तो ये शोध देश के 6 राज्यों में 60 साल से अधिक उम्र के करीब 1,500 लोगों पर किया जाएगा। ICMR के चेन्नई में मौजूद अनुसंधान संस्थान की तरफ से तमिलनाडु सरकार को 15 जुलाई को परीक्षण की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके तहत BCG टीके की बुजुर्गों पर कारगरता का अध्ययन किया जाएगा। रूस ने की अपनी वैक्सीन की तकनीक साझा करने की पेशकश। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रूस दुनिया भर में सुर्खियों में बना हुआ है। इसके पीछे की बड़ी वजह है उसका कोरोना के वैक्सीन के सफल परीक्षण का दावा करना, लेकिन इसके साथ ही वो दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। इसके पीछे की वजह है उस पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों पर वैक्सीन का डेटा चोरी करने के लिए साइबर हमले करवाना। हालांकि चौतरफा आरोपों से घिरा रूस अब अपनी वैक्सीन की तकनीक दुनिया के साथ साझा करना चाह रहा है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी देशों की तुलना में ज्यादा असरदार कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने वाली रूस की गेमालिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने अपनी तकनीक साझा करने की पेशकश की है। गेमालिया के प्रमुख अलेक्जेंडर जिन्सबर्ग की माने तो रूसी तकनीक दुर्लभ है और इसका पेटेंट कराया गया है। ये वैक्सीन पश्चिमी देशों की तुलना में ज्यादा प्रभावी है और वैक्सीन संबंधी डेटा को पश्चिम के साथियों के साथ साझा करने की इच्छुक है। नंबर 7, कोरोना अस्पतालों की व्यवस्था मजबूत करेगा नया सॉफ्टवेयर। दोस्तों, देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में भर्ती इन मरीजों के आने और ठीक होकर डिस्चार्ज होने तक का डेटा रखना आसान नहीं होता है। इस काम को करने में समय भी बर्बाद होता है, लेकिन अब ये समस्या दूर होने वाली है क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जिससे ये सब आसान हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल ग्वालियर में कोरोना अस्पताल की व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए अब नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर से ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर जिला प्रशासन ने तैयार कराया है, जिस पर कोविड पॉजिटिव मरीज से लेकर डिस्चार्ज तक की अपडेट एक ही डैशबोर्ड पर रहेगी। अभी तक अलग अलग व्यवस्थाओं और डेटा के कारण प्रशासन के अधिकारियों का समय बर्बाद हो रहा था, लेकिन अब इससे काफी हद तक निजात मिलेगी। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर्मेट में भी होगा और अब इंसिडेंट कमांडर इसी पर अपना पूरा डेटा फीड कर सकेंगे। इस सॉफ्टवेयर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का डेटा, भर्ती मरीजों का डेटा, होम क्वारंटाइन, कोविड अस्पताल, एम्बुलेंस और इंसिडेंट कमांडर्स की डेली वर्किंग शामिल रहेगी। अभी सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही उपयोग किया जाएगा। नई तकनीक से ट्रेन के एसी कोच में मिलेगी साफ हवा। दोस्तों, अगर आप लोग आने वाले दिनों में ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं, साथ ही आप लोगों को कोरोना संक्रमित होने का डर है, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल रेलवे ने अपनी एसी कोच में साफ और स्वच्छ हवा देने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया है, जिसकी वजह से अब कोच में ऑपरेशन थिएटर जैसी साफ हवा मिल सकेगी। इस नई तकनीक से संक्रमण के फैलने वाले खतरे को कम किया जा सकेगा। इस तकनीक से कोचों में लगे रूफ माउंटेड एसी पैकेज के जरिए प्रति घंटे 16 से 18 बार हवा को बदला जा सकता है, जैसा कि ऑपरेशन थिएटर में होता है। इससे पहले इन एसी ट्रेनों में प्रति घंटे 6 से 8 बार हवा का बदलाव होता था और कोचों में छोड़ी जाने वाली एसी तीसरी हवा दोबारा वापस होती थी। इसमें से 20% ही ताजी हवा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। नंबर 9, कोरोना संक्रमण के लिए हनुमान मंदिर में कोटिंग। दोस्तों, देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। भीड़ जुटने वाली जगहों पर इसके संक्रमण का ज्यादा खतरा रहता है और शायद इसीलिए मंदिरों में कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए खास तरीके अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर को कोरोना के खतरे से दूर करने के लिए खास तरह की कोटिंग की गई है। मंदिर में कोरोना को रोकने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया
इसके साथ ही मंदिर में लगी लोहे और स्टील की ग्रिल पर कोटिंग भी की गई। भक्तों को कोरोना से बचाने के लिए मंदिर समिति ने एक निजी कंपनी की मदद से कोटिंग का काम करवाया है। वहीं दिल्ली में अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो अन्य प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी प्रबंधन समिति से जुड़े लोग कोटिंग का काम करवाएंगे। कंपनी का दावा है कि एक बार कोटिंग करने के बाद 90 दिन तक कीटाणु पास में नहीं आएंगे। इससे कोरोना के वायरस को फैलने से रोका जा सकता है।